और छंद होता है, चार वस्तु होती है प्रत्येक मंत्र की। और ये सर्वोत्तम स्तोत्र के एक एक नाम वो मंत्र है, तो उस मंत्र की महत्ता को समझाते हुए स्वयं गोसाई जी प्रभुचरण ने आज्ञा की। ऋषि रग्नि कुमारस्तु नाम नाम छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकप्रभु। ऋषि रग्नि कुमारस्तु नाम नाम छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकप्रभु। तो इस मंत्र का ऋषि कौन? गुसाई जी, इस मंत्र कोई पण मंत्र तमे जाप करो त्यारे तमने आ चार बाबत नु ज्ञान होवू जोईए। मंत्र यो ही फलित नहीं हो जाते। कई बार तो लोग अखबार में लेख बांचते हैं कि ओ ये मंत्र का ये प्रभाव, तो शुरू कर देते मंत्र जाप। आम छापाओ वाची ने मंत्र फलित न थाय, एनु विधान होय, एनी प्रक्रिया होय। अने ए प्रकारे दीक्षित थई ज्यारे मंत्र जाप करिए त्यारे मंत्रो फलित थता होय छे। मनना त्रायते इति मंत्र है, जो मन का रक्षण करे वो मंत्र है। और इसीलिए जो आप जो भी मंत्र जाप करते हो, ते मंत्र जाप करते समय ये चार वस्तुओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। सबसे पहला, इस मंत्र का ऋषि कौन है? ऋषि कौन? ऋषयः मंत्र दृष्टारः। किस ऋषि को ये मंत्र प्राप्त हुआ, उस ऋषि का नाम मालूम होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र गायत्री ऋषि, गायत्री मंत्र का है, ऐसे अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं जिनको ये मंत्र प्राप्त हुए, बनाए नहीं, अनुभवाए। तो सर्वोत्तम स्तोत्र रूपी 108 नाम रूपी मंत्रों ना ऋषि कौन छे? तो गुसाई जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, ऋषि अग्नि कुमारस्तु, अग्नि कुमार इस मंत्र के ऋषि हैं। स्वयं का परिचय अग्नि कुमार रूप से दिया, क्योंकि अन्य अन्य ऋषियों ने जो मंत्र देखे वो तो वेदों के हैं, वो वेदों में हैं, पर अग्नि कुमार कहकर आचार्यों ने टीका में लिखा है, अग्नि कुमारी का गोपीजनों को स्मरण किया है कि उस अग्नि कुमारी का गोपीजनों ने जो कात्यायनी व्रत किया और कात्यायनी व्रत करके जो मंत्र जाप किया, कात्यायनी महाभागे महायोगी नदीश्वरी, वो जो मंत्र अभी उसका मैं विस्तार नहीं करता, पर वो मंत्र जाप किया वो तो वेदों में भी नहीं है। मतलब ऋषि जो साधारण हैं उनको तो वेदों के ही मंत्र का ज्ञान है, और उससे आगे तो वो विराम ले लेते हैं नेति 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 कहकर। तो जो नेति नेति कहते हैं और जो ऋषि जान नहीं पाते न इति, उन मंत्रों का ज्ञान ये गोपीजनों को है, और गोपीजन उस मंत्र को जानते हैं। इसीलिए गुसाई जी ने कहा, ऋषि अग्नि कुमारस्तु, जो अग्नि कुमारी का आदि गोपीजनों ने जो मंत्रों का जाप किया वो मंत्र कोई वेदों में नहीं है, वो तो लीलात्मक मंत्र है और लीला रस का अनुभव करने के लिए है, उस प्रभु को पति रूप से पाने के लिए है। और इसीलिए कहा ये 108 नाम निगम प्रतिपाद्यम है, पर वेद भी उसको जान नहीं पाता, प्रतिपादन कर देता है पर वो भी नेति नेति करकर मौन हो जाता है, पर उस मंत्र को देखने वाले ये अग्नि कुमार श्री गुसाई जी हैं, जो वेद भी जिनको देख नहीं पाता। ऐसे अलौकिक मंत्र 108 सर्वोत्तम स्तोत्र में है। ऋषि अग्नि कुमार, ये मंत्र की मर्यादा के ऋषि कौन है? ऋषि अग्नि कुमार अस्तु नाम नाम छंदो जगत्यसु। दूसरी बात आई मंत्र के लिए कि इसका छंद क्या है। देखो हमारे यहां प्रत्येक पाठ विविध प्रकार के छंदों में होता है, और उन शब्दों को उस छंद में बंधारण करके फिर उस पाठ को बोला जाता। जैसे यमुनाष्टक है तो पृथ्वी छंद है,
और पृथ्वी छंद है तो 8-9 अक्षरों में आप यति स्थान आता है, आप रुकते हो, विराम स्थान लेते हो, आपको पता नहीं होता, पर जारे जारे तब यमुनाष्टक बोलो एले पृथ्वी छंद में बोलो तो 8 अक्षरे रोकाओ ने 9मा अक्षरे रोकाओ। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हे तुम्मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुकटं। अब आपको पता नहीं पर आप देख रहे हो नमामि यमुना महम 8 अक्षर, सकल सिद्धि हे तुम मुदा 9 अक्षर। अब जब जब रुकोगे तो 8-9 से रुकोगे तो ये पृथ्वी छंद है। वैसे ही आप मंगलाचरण जब आप बोलते हो चिंता संताय हंतारो यत पालां बुझे स्वियानां तानिजाचार्या अनुष्टुप छंद। यह अनुष्टुप छंद है, आप 8-8 अक्षर में रुकते हो और 8×4=32। तो ये सर्वोत्तम स्तोत्र का छंद कौन सा, तो कि जगत्यसौ जो जगत में प्रसिद्ध है वो अनुष्टुप छंद है। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि सर्वोत्तम स्तोत्र का हम पाठ करें तो नाम खंडित हो जाता है, तो नाम खंडित न हो ऐसे पाठ करें या छंदबद्ध ढंग से करें, तो उसका उत्तर स्वयं गोसाई जी ने ही दे दिया कि नामनाम छंदो जगत्यसौ अनुष्टुप छंद में बंधारण से ही इसका पाठ करना चाहिए। जैसे आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यं कृपानिधि, बस ये अनुष्टुप छंद 8-8 अक्षर में आप रुकते हो तो 8×4=32। ये 32 अक्षर में क्यों छंद पसंद किया, क्योंकि 32 लक्षण वाले हमारे महाप्रभु जी हैं, इसीलिए 32 अक्षर वाला यह अनुष्टुप छंद पसंद किया। इतने नाम भले खंडित था छंद खंडित नहीं करो, स्वच्छंद नहीं थे जो छंदबद्ध रहो। तो घना पाठ करता हो ने आपड़ी तो जारे नियम लीधो हो कि 35 सर्वोत्तम करवा, पछी शुरुआत ना 3 पाठ तो बहु सरस थाय, અને પછી જે ગાડી ભાગે આપણી ઘણા માળાએ ફેરવતા હોય ને પછી નિયમ લઈ લે કે 51 માળા કરવી, પછી આમ સુદર્શન ચક્રની જેમ ફેરવે માળા। નામ નામ છંદો જગત્ય સૌ, દેખો પ્રત્યેક જપ કે વિધાન હૈ, દો વસ્તુ હૈ, એક હૈ સ્મરણ ઓર દૂસરા હૈ જપ। ઘણીવાર આપણે એમ સાંભળીએ કે ભાવ હોય ત્યાં સુધી કરો, મન ન લાગે પછી શું કરવાનું, અને ઘણી જગ્યાએ સાંભળીએ કે ના એક જગ્યાએ બેસી આટલી માળા તો કરવાની, જેટલા અક્ષરનો મંત્ર હોય એટલી માળા ફેરવવી, એવું પણ એક વિધાન પ્રસિદ્ધ છે। અષ્ટાક્ષર છે તો કે 8 માળા કરો, 9 યમનાષ્ટકના શ્લોકો છે તો કે 9 યમનાષ્ટક કરો, 35 શ્લોક સર્વોત્તમ સ્તોત્રના છે તો કે 35 પાઠ કરીશું, જેટલા શ્લોક કે જેટલા અક્ષર એટલો એની વાર ઉચ્ચારણ કરવાનું, એવું પણ એક વિધાન છે। જો સ્મરણમાં કોઈ નિયમો નથી, પણ જપના બધા જ નિયમો છે। જપમાં સંખ્યાનું પણ મહત્વ છે, જપમાં સ્થાનનું પણ મહત્વ છે, જપમાં માળાનું પણ મહત્વ છે। જપ એક સ્વતંત્ર અનુષ્ઠાન છે, જ્યારે જપ કરવા બેસો ત્યારે આ બધા વિધાનો ધ્યાન રાખવા પડે, પણ સ્મરણ કરો, સ્મરણ એ નવધા ભક્તિનું એક અંગ છે। શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુઃ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મ નિવેદનમ, તો સ્મરણ નવધા ભક્તિ કા એક અંગ હૈ। ઓર ઇસલિયે સ્મરણ અને જપમાં ફરક શું, સ્મરણ કોને કહેવાય, જે સ્નેહને કારણે સહજ ઉદ્ભવે એને કહેવાય સ્મરણ। દેખો દો વસ્તુ હૈ, યે નવધા નવધા ભક્તિ સાધન રૂપ ભી હૈ ઓર નવધા ભક્તિ ફલ રૂપ ભી હૈ। જે નવધા ભક્તિ છે સાધન રૂપ પણ અને ફલ રૂપ પણ, જેમ શ્રવણ, હું ભગવાનની કથા સાંભળવા જઉં તો મને ભાવ થાય, મને પુણ્ય મળે, આ સાધન રૂપ શ્રવણ। પણ પ્રભુમાં એવો પ્રેમ જાગ્યો છે કે એમની કથા સાંભળ્યા વગર રહેવાતું નથી, આ ફલરૂપ શ્રવણ। વસ્તુ એ જ છે, ક્રિયા એ જ છે, પણ તમે કયા ભાવનાથી જાઓ એના પરથી સાધન અને ફલનો ફરક પડે છે। હું 9 યમનાષ્ટક કરું તો યમુનાજી કૃપા કરે, આ સાધન તમે બનાવી લીધા યમનાષ્ટકને, પણ
આજે યમનાજીની ખૂબ કૃપા થઈ આજે હું નવ યમનાષ્ટક કરી શક્યો, તો આ ફલરૂપ યમનાષ્ટક કર્યા. આટલો ફરક. અને એટલે જ તો આપણા 41 પદમાં પણ કહ્યું, ફલ ફલિત હોય ફલરૂપ જાને, એને ફલરૂપ માનીને કરશો. કેમ કે પુષ્ટિ માર્ગ મેં મહાપ્રભુજી કિસી કો સાધન નહીં દેતે, હરેક કો ફલ દેતે. પુષ્ટિ માર્ગમાં જે પણ મળે છે એ ફલાત્મક રૂપે મળે છે, સાધન રૂપે નથી મળતું. અને એટલા માટે સેવા કરવાથી ઠાકોરજી કૃપા કરે એવું ન વિચારતા, નહીં તો સેવા સાધન બની જશે. પણ ઠાકોરજીની કૃપા થઈ કે મારા હાથે ઠાકોરજી સેવા લે છે આવું વિચારશો તો ફલરૂપ સેવા થઈ જશે. તો અહીંયા જે પણ મળે છે એ ફલરૂપે મળે છે, એને સાધન નહીં બનાવ. અને ઇસીલીએ ગુસાઈજી પ્રભુચરણને કહા, નામનાન છંદો જગત્ય સૌ, જગતમાં પ્રસિદ્ધ એવો અનુષ્ટુપ છંદાનો છે. આના દેવતા કોણ? જો દરેક મંત્રના દેવતા હોય અને એનું સ્મરણ કરીને મંત્ર જાપ કરવામાં આવે, કારણ કે મંત્ર કોઈનો હોય એનું સ્મરણ કોઈનું કરતા હો તો એ મંત્ર ફલિત નથી થતો. અહીંયા કહ્યું શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ દેવતા જ. ઇસ મંત્ર કે દેવતા કોણ હૈ? તો કહા શ્રી કૃષ્ણાસ્ય, આસ્ય યાની મુખારવિંદ, પ્રભુ કે મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી ઇસ મંત્ર કે દેવતા હૈ. કારણ કે એ મંત્રને ફલ એ દેવતા આપે, પણ દેવતાઓ મંત્રને આધીન હોય. મંત્ર આધીન સૌ દેવતા, આ ફરક છે. પ્રત્યેક દેવતા છે ને મંત્રને આધીન. નહીં તો ઘણીવાર લોકો પ્રશ્ન કરતા હોય કે હિરણ્યકશિપુએ તપ કર્યું ને દેવતા પ્રસન્ન થઈ ગયા, પેલા અસુરે તપ કર્યું, રાવણે તપ કર્યું ને આ દેવતા પ્રસન્ન થયા. એક વ્યક્તિ મને પૂછતા હતા કે આ અસુર હોવા છતાં તપ કરે મંત્ર જાપ કરે ને દેવતાઓ પ્રસન્ન કેમ થઈ જાય? કારણ કે દેવતાઓ એ વ્યક્તિને નથી જોતા, એ લોકો મંત્રોને આધીન હોય છે, એટલે મંત્રને વશ થઈ એમને હાજર થવું પડે છે. જેટલાય દેવતાઓ છે બધા મંત્રને આધીન છે, પણ પ્રભુ તો સ્નેહને આધીન છે. અમારે મહાપ્રભુજી તો ભાવ કે આધીન હૈ, ઓર ભક્ત જબ ભાવ સે પાઠ કરતા હૈ તો મહાપ્રભુજી ઉસ ભક્ત કે વશ હો જાતે. हमारे वार्ता साहित्य में देखो ना, कई कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे, वल्लभ के नाम का अखंड जाप करते भक्त श्री वल्लभ उनको वश हो गए. श्यामदास सुथार ने वार्ता जो, कैसी आसक्ति महाप्रभु जी के चरणारविंद, एक क्षण श्री वल्लभ के बिना नहीं रह पाते. स्वयं महाप्रभु जी ने पादुका जी पधरा दी, साक्षात मेरा अनुभव तुम्हें इसमें होगा, ऐसी कृपा श्री वल्लभ की हुई. तो श्री कृष्णास्यम देवता, सर्वोत्तम स्तोत्र रूपी मंत्र के देवता स्वयं श्री महाप्रभु जी है. मतलब आप सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करोगे तो स्वयं फल और कोई नहीं देगा, स्वयं श्री वल्लभ उसका फल देंगे आपको. श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिक प्रभु. प्रत्येक मंत्र नु एक बीज हो, अने ये बीज कौन? तो के कारुणिक प्रभु, कृपालु प्रभु, એ આ મંત્રના બીજ છે. આપણે જેની શરણે ગયા છીએ એ કોઈ જ્ઞાન માર્ગનો પરમાત્મા નથી, એ કોઈ કર્મ માર્ગનો પરમાત્મા નથી. આપણે કોની શરણે મહાપ્રભુજી આપણને મોકલ્યા? કે ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો, કૃપાલુ પરમાત્મા કે શરણ મેં હમ ગયે. જેની પાસે જાઓ ને તમારા પાપોની જે સજા કરે એ ભગવાન નહીં, પણ તમારા પાપોને જે ક્ષમા કરી દે એ જ ભગવાન છે. हमारे श्रीनाथ जी बाबा जीव के साधन और कर्म को नहीं देखते, वह स्वस्वभाव से ही कृपा करते, और इसीलिए वह कृपालु हैं. राय जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, राय जेटली करेली सेवा ने पण आपड़ा माने भगवान में फरक एटलो कि आपड़े राय जेटलू करिए अने मेरु जेटलू याद अपावीए, मेरु जेटलू याद अपावीए. अने ठाकुर जी રાઈ જેટલું ગ્રહણ કરીને મેરું જેટલું સ્વીકારે છે એનું ફળ આપે છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, સેવા કરનાર વૈષ્ણવે આ બે વસ્તુથી સાવધાન રહેવું. એક, પોતાની કરેલી સેવા ક્યારે પણ ઠાકોરજીને યાદ અપાવી નહીં. આટલી આટલી તમારી સેવા કરી તોય તમે આમ કર્યું, રોજ આટલા પાઠ કરતી તોય તમે આમ કર્યું, ક્યારે પણ પોતાની કરેલી સેવા પ્રભુ આગળ ગણાવવી નહીં. કારણ કે જે દિવસે ગણાવશો એ દિવસે સમાપ્ત થઈ જશે. ઠાકોરજી કહે છે, મેં તને કહ્યું તું મારી સેવા કર. કભી ભી અપને કી હુઈ સેવા
अपने लिए हुए प्रभु के नाम कभी ठाकुर जी के आगे गिनाने नहीं। अने बीजी बात, ठाकुर जी पासे जारे पण जाओ त्यारे हताश निराश या दुखी थईने ठाकुर जी आगळ क्यारे नहीं जाओ। कारण के प्रभु तो बालक है, कोई नाना बालक आगळ कोई रड़तु होय ने तो ए रड़वा लागे, अने कोई हसतु होय तो ए हसवा लागे। जो आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो तो हमेशा प्रसन्न मुख से जाओ। घणाना चेहरा एवा चढ़ेला पड़ेला उतरेला एवा चेहरा लईने जाए कि प्रभु ही दुखी थई जाए। एक एक वैष्णवे नियम लीधो के रोज सवारे ठाकुर जी ना पहला दर्शन करवा जेथी आखो दिवस सुधरे। महीनाना 29 दिवस गयो ने 30मा दिवसे जारे गयो तो जुए तो ठाकुर जी पीठ देईने बैठा छे। अरे पेलो वैष्णव नाराज थयो कि प्रभु मारो दिवस सुधरे एटला माटे आपना दर्शन करवा आवुं छुं अने आप ऊंधा थईने बैठा छो। ठाकुर जी के मारे दिवस सुधारवो होय के नहीं, मारू मुख जोईने तारो तो सुधरे पण तारू मुख जोईने मने शुं थाय छे। दर्शन भयो सवेरो हरिजू को, दर्शन भयो सवेरो। प्रभु के मुखारविंद का जब सुबह वैष्णव दर्शन करता है ना तो अपने जीवन को धन्य करके मानता है कि ऐसे कौन से मेरे पुण्य होंगे कि वह परात पर ब्रह्म वह नंद नंदन वो यशोदा जी के गोद में खेलने वाला परमात्मा आज मेरी गोद में विराज रहा है। एने एना भाग्यनो आम गौरव थाय कि जयरे सवारे उठीने मंगला करावी लालन ने गोद में लईने श्रृंगार करता होय त्यारे पोतानी जातने वैष्णव धन्य माने छे। जो सेवा करवी एटले केवल भोग धरवा टेरा लेवा पोतनू करवू ए ज नथी, सेवा करवू एटले आखा जीवननो डिसिप्लिन आवे। ए वैष्णवने विचार थाय कि जे हाथे मारे काले ठाकुरजीने जगाडवाना छे, जे हाथे मारे चरणस्पर्श करवाना छे, ए हाथे मारे पाप केम करी शकुं, जे आंखे मारे ठाकुरजी ना काले मुखारविंदना दर्शन करवाना छे ए आंखे मारथी पाप केम जोवाय, जे जीववाथी मारे काले प्रभुना गुणगान करवाना छे ए जीववाथी मारथी कोईनी निंदा केम थई शके। आ एक विचार वैष्णवने आवे छे कि काले मारे सवारे ठाकुरजीने मारू मुख बतावानुं छे, जो आजे पाप करीश तो काले केम करीने ठाकुरजीने मंगळा करावी शकीश। आ विचार वैष्णवने आवे छे। सेवा करनारो वैष्णव एना आखा जीवन ने धन्य बनावतो होय छे, एवो आ दिव्य पुष्टि मार्ग महाप्रभुजी आपणने आप्यो छे। अहींया गुसाईजी प्रभु चरण कहे बीजम कारुणिक प्रभु, ए कृपालु परमात्मा ए आ मंत्रना बीज छे कि जे आपणने फल आपवाना छे। अने आगळ गान करता श्री गुसाईजी प्रभु चरण कहे कि आनो विनियोग शुं, आनाथी फल शुं मळशे, सर्वोत्तम स्तोत्र करने से प्राप्ति क्या होगी। ये कहते हुए गुसाई जी आज्ञा करते हैं, विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। आनो विनियोग सेना माटे, एक वस्तु स्पष्ट करी लो, दीकराना लगन करावा माटे आ पाठ नथी, दुकान चलावा माटे आ पाठ नथी, पैसा कमावा माटे आ पाठ नथी। कई बार हम अलौकिक तत्वों का लौकिक वस्तु के उपार्जन के लिए उपयोग कर देते हैं। आचार्यों कहे ने कि मतलब मच्छर मारवा स्टेनगन नो उपयोग करे वो कहवाए, अरे जो काम अगरबत्ती जलाने से हो जाए उसको फिर स्टेनगन का थोड़ी उपयोग किया जाता है। लौकिक पामवा माटे अलौकिक नो प्रयास न थवो जोईए। जो भगवाने तमने बुद्धि पण आपी छे, बुद्धि नो एवो उपयोग करो संसार मां के मन बगाड़वानो वारो ज ना आवे। लौकिकता मन सुधी पहुंचे ज नहीं, बुद्धि का सदुपयोग करके संसार के सभी मार्ग निकाल लो, हृदय को तो ठाकुर जी के लिए रहने दो। जब आपड़े कोई पण वस्तु होय तो क्या अड़ता नहीं हो, ठाकुर जी ने वस्तु छे, कारण के वापरेली वस्तु प्रभु ने न धराय। तो आ मन क्या क्या वापरी ने आवीए छे अने पछी ठाकुर जी ने कहीए मारू मन ठाकुर जी मां लागतु नथी तो वापरेलू ठाकुर जी क्यांथी अंगीकार करे। हम कहते तो है मन प्रभु में नहीं लगता, नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो लेते नहीं इसलिए, क्योंकि उपयोग की हुई वस्तु हो महाप्रभु तो मना करते हैं, अर्धभुक्त वस्तु प्रभु को नहीं धरनी। तो वापरेली वस्तु हो
प्रभु के मंगीकार करें। विषयाक्रांत देहानाम नाविशस सर्वथा हरे। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, विषय से जलते हुए जैसे बलते हुए घर में कोई रह नहीं पाता, वैसे ही जिसका हृदय विषयों से जल रहा है उसमें प्रभु भी नित्य वास नहीं कर पाते। इसका विनियोग क्या? विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने। भक्ति योग में आवता प्रतिबंधोनो नाश करवा माटे आनो विनियोग छे। भक्ति में जे कोई पण प्रतिबंध आवता हशे आ सर्वोत्तम स्तोत्र नो पाठ करशो ए सर्व प्रतिबंधों ने ठाकुर जी दूर करी देशे, श्री महाप्रभु जी दूर करी देशे, प्रत्येक प्रतिबंधो जता रहेशे। अरे संसार प्रतिकूल छे ने सेवा में मन नहीं लागतु ने, तो ठाकुर जी संसार पण अनुकूल करी आपशे। सर्वोत्तम सूत्र की टीका में गोकुलनाथ जी जारे टीका लखी त्यारे कहूं श्री गुसाई जी ने वंदन करता नमन करता गोकुलनाथ जी कहे सर्व अभिष्ट प्रदायक। गुसाई जी ना चरणारविंद केवा छे कि सर्व अभिष्ट ने आपनारा छे। तो के बीजू बधुं तो बीजा बधानी उपासना थी पण मळे छे। धन मेळवू होय तो आनी उपासना थी पण मळे, घर मेळवू होय तो आनी उपासना थी मळे, परिवार जोईतो होय तो आनी उपासना थी मळे, संतति जोईती होय तो आनी उपासना थी मळे। जुदा जुदा देवताओनी उपासना थी पण आ लौकिक वस्तुओ मळी जाय छे, पछी आ गुसाईजीनी कृपा थी मळे एवू वैष्णव केम इच्छे? समझावता कहूं बन्ने मां फरक छे। अन्य देवतानी उपासना थी जे मळे छे ए संसार वधारनारु होय छे, पण गुसाईजी जे आपे छे ए अलौकिक साधनारु होय छे। जैसे किसी से धन मिला तो उसे लौकिक बढ़ेगा, पर गुसाई जी की कृपा से मिला तो वो सेवा में उपयोग होगा। तो आवी कथा थई सके, तो आवा उत्सव थई सके जे गुसाई जी की कृपा थी मिली। गुसाई जी की कृपा से घर मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि जिसमें ठाकुर जी के बिराजने का स्थान हो, जहां प्रभु बिराज सके। एमनी कृपा थी संसार मळशे तो एवा संसार ना लोको मळशे, एवा परिवार ना व्यक्तिओ मळशे जे सेवा में सहायक हशे। आ फरक छे। तो बीजा थी पण मळे, गुसाई जी पण आपे, बन्ने मां फरक एटलो पेलू लौकिक वधारनारू होय अने अलौकिक साधनारू होय। तो विनियोग भक्ति योग मां आवता प्रतिबंधोनो नाश थाय अने परम फल आ कहता कहूं कृष्णा धरा मृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय। क्या सर्वोत्तम सूत्र तो साक्षात कृष्ण धरा मृत रूप छे, सुधा रूप छे। मैंने पहले ही कहा ना, महाप्रभु जी दो स्वरूप से आराध्य है हमारे यहां, एक अग्नि स्वरूप और दूसरा सुधा स्वरूप। ये सुधा रूप है साक्षात, क्योंकि भगवत सुधा के संबंध के बिना भगवत लीला का अनुभव नहीं होता, भगवत रस की प्राप्ति नहीं होती। भगवत लीला का अनुभव करना है, भगवत स्वरूप का अनुभव करना है तो सुधा संबंध होना आवश्यक है। सुधा संबंध न थाय त्यां सुधी भगवत स्वरूप नो अनुभव नहीं थतो। अने एटले ज ठाकोर जीए दसम स्कंदनी जे व्रजलीला छे एमां सर्व भक्तों ने स्वयंनी सुधानो संबंध करावे छे। कारण के कृष्ण केवल मनुष्य आकारे देखाय छे पण ए तो छे रसो वैस, रसरूप छे। प्रभु मां रस सिवाय बीजू काई नथी। जेम तमे मिश्रीना खिलौना बनाओ, जन्माष्टमी में साकर मिश्री ढाली ने अपने खिलौना बनाए, फूल बनाव्य हो डाली बनाओ, पत्ती बनाओ, पर कोई पण खूणे चाखो एम मिश्री सिवाय बीजू कई नहीं। खाली आकार फूलों छे, छे तो मिश्रीज। एमज प्रभु आकार जुदो लागे छे तो रसो वैसह, रस सिवाय प्रभु में बीजू कई ज नहीं। अने भगवान पोतानो भगवत रस सुधा संबंध करावी अने भक्तों ने स्वस्वरूप नो अनुभव करावे छे। अने व्रजलीला मां सर्वने सुधा नो संबंध करावे छे। अने एज सुधा रूप साक्षात महाप्रभु जी छे कि जेना थकी भगवत स्वरूप नो अनुभव थाय छे। अने एटले ज आपणे कहीए ने कि पुष्टि पुरुषोत्तम नी कृपा महाप्रभु जी संबंध वगर न थाय। श्री वल्लभ नी शरण गया वगर पुष्टि पुरुषोत्तम नो अनुभव नहीं थतो। कारण एटला माटे कहीए छे कि सुधा रूप साक्षात महाप्रभु जी नो स्वरूप छे। व्रजलीला में तमे जुओ, रासलीला में गोपीजनों ने सुधा नो संबंध छे,
छाक लीला मा आपुन खात खवावत ग्वालिन जिन नहीं पायो सुनो रे भैया मेरी हथेरी चाट अने पोतानी सुधानो संबंध सखाओ ने छाक लीला मा करावे छे। वेणु नाद करी वेणु गीत मा तमे जुओ नाद छे ए केवल अवाज नथी, नाद तो पात्र छे। प्रभु एमा पोतानी सुधा पधरावी स्वस्वरूप नी सुधा पधरावी अने सर्वने सुधानो संबंध करावे छे। એટલે પ્રભુ વેણુ નાદ કરે અને કેવલ અવાજ નહીં માનવો, અવાજ એટલે કે સાઉન્ડ, એ નાદ તો પાત્ર છે અને પાત્રમાં ભગવાન પોતાની સુધા પધરાવી સર્વને સુધાનું દાન કરે છે। એટલે વેણુ નાદ સમયે ઠાકોરજીએ લતા પતા વૃક્ષો ગાયો હરણીઓ આ સર્વને સ્વસુધાનો સંબંધ કરાવ્યો છે। પ્રભુ નાના ગોદમાં હતા યશોદોત્સંગ લાલિત અને આપની લાર સ્ત્રવે થોડીમાં ચીબુક રૂપે આવીને અટકી જાય અને યશોદાજીને નંદ બાબાને વાલ આવે અને ચીબુક ઉપર વાલ કરે ત્યારે એમને પણ સુધાનો સંબંધ થાય। આમ વ્રજલીલામાં સર્વને સુધાનો સંબંધ છે, તો આ સુધારૂપ સ્વયં શ્રી મહાપ્રભુજી, આ સુધાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એ શ્રી મહાપ્રભુજી છે। અને એટલે જ આપણે ત્યાં બે પ્રકારની સૃષ્ટિ માનવામાં આવી છે, નાદ સૃષ્ટિ અને બિંદુ સૃષ્ટિ। ઠાકોરજી જ્યારે વેણુનાદ કર્યો અને વેણુનાદ કરતા પ્રભુના મુખમાંથી અધરામૃતના બિંદુ સર્યા અને સ્વામીજી આવીને ઝીલી લીધા, એ છે બિંદુ સૃષ્ટિ, એ છે વલ્લભકુલ। અને પ્રભુના વેણુનાદ ચારે બાજુ વ્યાપિત થયો અને નાદ સાંભળીને જે જે વ્રજભક્તો દોડીને પ્રભુની શરણે આવ્યા એ છે નાદ સૃષ્ટિ અને એ છે આ વૈષ્ણવી સૃષ્ટિ। એમ પુષ્ટિ માર્ગમાં બે સૃષ્ટિ છે, જો વેણુ દ્વારા જ આખી સૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ છે। અને એટલા માટે તો મહાપ્રભુજીની વધાઈમાં આપણે ગાઈએ છે, એસી બંસી બાજી બન ઘન મે વ્યાપ રહી ધુની મહામુનિ નકી સમાધિ લાગી, અને છેલ્લે કહીએ છે સો અબ લક્ષ્મણ ભટ્ટ દ્વાર। એ જ વેણુનાદ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીના રૂપ ત્યાં પ્રગટ થયો છે વલ્લભ રૂપે। બન ઘન મે વ્યાપ રહી દુનિયા મહામુનિ નકી તમારી લાગી એસી બંસી એસી વંશી બાજી બન ઘર મે અને શ્રી વલ્લભ રૂપ સુધા રૂપ વલ્લભ ભૂતલ પર પ્રગટ થયા છે। ભયો બ્રહ્મ Thank you.
लक्ष्मण भट भूप कुमार पद्मनाभ दैवोद्धार अर्थ त्यागी ऐसी बंसी बाजी बने घन में व्याप रही धुनी महामुनि की समाधि लागी समाधि लागी समाधि लागी ऐसी बंसी बाजी ऐसी बंसी बाजी बन घन में सोव लक्ष्मण भट्ट भूप कुमार ए समय वेणुनाद करीने ब्रजभक्तो ने आनंद आप्यो एज सुधारूप श्री वल्लभ नु प्रागट्य लक्ष्मण भट्ट जी ना घरे थयुं छे तो ए समय तो वेणुनाद करीने वैष्णव ने कृतार्थ कर्या पण हवे अत्यारना समय मा श्री महाप्रभु जी कई रीते कृपा करे तो कहूं हवे आ समय श्री वल्लभाचार्य रूपे पधारेली ए प्रगट थयेली सुधा पोताना वचनामृत द्वारा जीवो पर कृपा करी रही छे वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखा बरखाई प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई तो आ समय नो वेणुनाद ए श्री महाप्रभु जी ना वचनामृत छे अने वचनामृत ना श्रवण मात्र थी जीवनी अंदर ए भगवत लीला नो आवेश अनुभव जागृत थाय छे आम कृष्णा धरा मृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय अने एनो कोई संशय एमां कोई संशय नथी साक्षात कृष्णा धरा मृत रूप आ सर्वोत्तम सूत्र नी सुधा छे आ वल्लभ रूपी सुधा छे आम छ श्लोक में वर्णन कर्युं श्री गुसाई जी प्रभु चरणे सटधर्म नु कि आ अलौकिक सुधा जे सर्वोत्तम स्वत्व रूपे आपने मळवानी छे कारण कि ए भगवत सुधा केवी छे गोपी गीत में गोपीजनों कहे छे ने सूरत Thank you.